नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस एस सी लर्निंग पॉइंट। भाई सिंह सर, आज हम करेंगे 14 अगस्त की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। 8.5 और 5.5 त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की खींची की जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ये है रेखा की लंबाई। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन की हमसे बात कर रहा है, तो डी स्क्वायर माइनस का आर वन प्लस का आर टू का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर डी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी 18 दी गई थी, माइनस में रेडियस जोड़ देंगे तो 8 5 13 और 1 14 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते थे, दोनों को जोड़ दें, 8 4 12 की 2, हाँ से लगा 1 2 और 1 3 हो गया, और एक बार घटा देंगे यानी कि 4 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते थे, 16 दूनी 32 में लिख सकते थे, और गुणे में 2 गुणे में 2, ये रूट में हो गया। तो 16 का 4 बाहर आ गया, इसका 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, जो नंबर जरूरत थे वो सारे मैंने लिख दिए क्योंकि इसमें क्लियर दिखाई नहीं देता, तो इसलिए लिख लिया, टाइम भी बच जाएगा। अब कह रहा था कि इन सब का जो सम है, इन सब के सम का कितना परसेंट है, तो फटाफट जोड़ लेते हैं। तो 6 3 9 1 10 की 0, हाँ से लगा 1 हो गया, 8 9 8 17 और 5 22 हो गया, 6 2 8 7 15 और 16 हो गया, हाँ से लगा 1 5 3 8 और 4 12 हो गया। इधर करेंगे तो 4 2 6 2 8 हो गया, यहाँ पर 4 1 5 11 हो गया, 9 4 13 और 5 18 हो गया। इधर करेंगे तो ये 4 4 8 6 14 हो गया। अब हमको यही बताना था कि ये नंबर इसके कितने परसेंटेज है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमें गुणा भाग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी करेंगे जितनी जरूरत होगी। यहाँ पर करते हैं तो इसको काटेंगे, देखो 4 से कट रहा नहीं कट रहा, तो 2 2 6 12, 2 3 6 2 1 2 0 हो गया। इधर करेंगे 2 7 14, 2 4 8 हो गया, 0 हो जाएगा, दोने में 18 हो गया। अब हमें 63 1 000 में भाग करना 7409 से। अब ऑप्शन का सहारा लेंगे, सबसे बड़ा 8 लिखा है, 8 7 56 किया तो हमने देखा 63 से छोटा भी है, तो फटाफट 8 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 8 ने 72 हो गया, 8 4 32 हो गया, 8 7 56 और 3 कितना हो गया, 59 हो गया, ये देखो इससे छोटा आ गया, आंसर लगा दो, बात खत्म। बाकी तो ऑप्शन और छोटे, अगर नहीं होता तो एक फिर से करना पड़ता, ठीक है, तो इसी तरीके से चेक करके आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। यदि 2000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज 10 वर्षों के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धनराशि 4000 हो जाएगी। तो देखो, 2000 की राशि 10 वर्ष में साधारण ब्याज से 50 का ब्याज मिलता है, यानी कि 150 बढ़ जाती, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो 15 दूनी 30 हो गया, यानी कि 3000 रुपए हो जाती 10 साल में। अब लेकिन इसको 4000 बनाना, तो ये कह रहा था इसमें कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ से हमको 1000 ब्याज और चाहिए, 1000 का ब्याज हम किस पर लेंगे, 3000 पर लेंगे, टाइम हमको निकालना है, रेट हमको 5% दी थी, बटे में 100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 चला गया, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ पर 3 6 18 हो गया, 6 से 2 बटे में 3 आ गया ये टाइम, तो यहाँ पर इतना टाइम लग गया, और 10 साल पहले लग गया था, 10 प्लस का 6 प्लस का 2 बटे में 3 लिख दो, यानी कि 16 सही 2 बटे में 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो फिर। अब इसमें देखो, x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर कोई ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो इसको डायरेक्ट कर दो, यानी कि 1 प्लस 3 का होल क्यूब प्लस में 1 माइनस 3 का होल क्यूब अपॉन में हो गया 1 प्लस का 27। यहाँ पर करेंगे तो 3 1 4 4 6 16 6 64 माइनस का 2 का क्यूब 8 हो गया, बटे में 28 हो गया, यानी कि 8 6 14, यानी कि 56 बटे में 28, तो ये 28 दूनी 56 हो गया। तो x बराबर 1 रखने पर किसमें 2 मिल रहा है आंसर। अगला सवाल, किस वर्ष बातें पे बी और सी का संचयी निर्माण सबसे अधिक था। तो बी और सी का यहाँ पर हो गया 340, इधर करेंगे तो 2 3 हो गया, यानी कि ये 400 हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 95, ये 300 हो गया, और 105 यानी कि 405 हो गया, इधर करेंगे तो ये 200 हो गया, 9 7 16 की 6, हाँ से लगा 1 हो गया, ये कहीं से भी नहीं, ये 360 के लगभग पहुंचेगा, तो सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है, यानी कि 2021 आंसर लगा। अगला सवाल, जैसन अकेले किसी कार्य को इतने में कर सकता है, जबकि रफीक अकेले 39 दिनों में, यदि वे साथ मिलकर करें तो उसी कार्य को कितने दिनों में हो जाएगा। तो 23.4 × 39 दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो गया, 9 3 12 के 2, हाँ से लगा 1, 3 3 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करना था बस, सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, फिर उसके बाद करेंगे तो 3 1 3 3 3 9 हो गया, इधर करेंगे 3 2 6 हो गया, 0 3 8 24 हो गया, फिर 13 1 13 हो गया, 13 6 78 हो जाएगा, फिर 2 8 16 कर लो, 2 1 2 फिर 2 1 2 2 7 14 हो गया, इधर करेंगे तो 8 1 8 हो गया,
बचा 3 हो गया, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा, बचा कितना है 5 बचा है, फिर 8 2 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 संग 48, ऑप्शन का सारा ले लिया, बात खत्म। अगला सवाल अब, अच्छा हाँ ये भी तो बता दें ये हुआ कैसे है। अब मान लो आप यहाँ से एलसीएम लेके करते, हमने एलसीएम डायरेक्ट इतना ही मान लिया, तो इफिशियंसी इसकी 39 हो गई, इसकी 23.4 हो गई, तो इन दोनों को जोड़ते ही तो ये याद रखो, ए काम कर रहा है एक्स दिन में, बी काम कर रहा है वाई दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस का वाई, और कुछ नहीं होता है। फटाफट से आंसर लाओ, एलसीएम के चक्कर में इससे सरल सवाल में नहीं पढ़ते। स्टोर ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप डेल और एचपी दोनों की कुल संख्या के संगत केंद्रीय कोण की माप क्या है। तो देखो 100% का मान हो गया 360, हमको निकालना था ये ई वाला था 14%, तो 14 का इसका मान निकालना था, 0 से 0 हो गया, यहाँ पर करेंगे 14 संग 84 हो गया, यूनिट डिजिट से काम हो गया, 14 3 42, 42 में 8 जोड़ देंगे 50 बटे में 10, तो 50.4 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में पी और आर के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर एम पर मिलते हैं, पी एम आर की माप 127 है, तो क्यू का मान बताना है। तो देखो पी एम आर बराबर होगा 90+ का कोण क्यू बाई में 2, यहाँ पर करेंगे तो पी एम आर का मान दिया गया था 127, माइनस का 90 हो गया, और इंटू में पूरे में 2 हो जाएगा, तो 12 से 9 गया 3, यानी कि 30 से 7 और कम कर दो, यानी कि जोड़ना पड़ेगा 74, ये आंसर आ जाएगा क्यू का। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखो, अब हमने कुछ अलग नहीं किया, ये भी इसी में था, ये यहाँ से देखो इनके किए गए थे समद्विभाजक, ये मिल रहे थे कहाँ पर, एम पर, इसका मान निकालना था, तो पी एम आर बराबर डायरेक्ट ये फार्मूला होता है ना, तो ये मैंने वहीं से लिखा, अगर मुझे समझाना ना होता ये फार्मूला लिखना ना होता तो मैं ये डायरेक्ट लिख लेता, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी, और ऐसा चीज होती है इसलिए मैं बोलता हूँ, जो नहीं होती है मैं वो खुद ही नहीं बोलता हूँ। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर का समरूप है, अब इतना आपने जैसे ही पढ़ लिया तो यहाँ पर देखो एरिया दिया गया, यानी कि एरिया और साइड का रेशियो हमें बनाना है, तो ए वन अपॉन में ए टू, यानी कि एरिया वन अपॉन एरिया टू, और साइड वन अपॉन साइड टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमने त्रिभुज एबीसी का अगर क्षेत्रफल अगर आपने ये ऊपर लिख लिया तो इसी की साइड ऊपर लिखी जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, तो ए टू यानी कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 50 हो गया। अब भुजा आपको पी क्यू की पता थी तो पी क्यू नीचे लिखा जाएगा 10, और हमें ए बी का निकालना था, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो इधर करेंगे ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो गया, दोनों तरफ का रूट लेंगे तो 4/5 बराबर में ए बी बटे में 10 हो गया, तो 5 × 2 = 10 हो गया, 4 × 2 = 8, ये ए बी का मान आ गया। अगला सवाल, अब देखो चतुर्थ समानुपाती बताना था, कितना आसान सवाल हो गया, कभी भी आपको 3 नंबर दिए जाए तो हमेशा ध्यान रखो b इंटू में c अपॉन में a, ये होगा चतुर्थ अनुपात, यानी कि 15 × 30, यानी कि पूरा लिख लो चलो 15/8 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, इधर करेंगे तो ये 2.5 हो गया, 25 × 5 = 125, 25 × 25 = 12, 37.5 आंसर। अगला सवाल, 10 अंकों की संख्या दी गई थी 88 से विभाज्य, इसका न्यूनतम मान बताना है, 88 से विभाज्य का मतलब है 8 × 11 से, तो सबसे पहले 2 × 5 और ये 2 हो गया, इसको मुझे देखना है कि छोटा सा छोटा मान रखें कि 8 से कट जाए, तो सबसे पहले अगर मैंने रखा 2 का मान 0, 2 = 0 रखोगे तो ये 0 5 2 बन जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, अब रखा 2 = 1 तो 1 5 2 हो गया, इसको करेंगे तो 8 × 8 हो गया, 7 बचा, 8 × 72 हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कट गया, यानी कि 2 का मान हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो नंबर बना वो 620x976 और ये 152 बन गया, अब यहाँ पर x का निकाल लेते, 6 हो गया, 9 × 6 = 15 हो गया, 15 × 6 = 21 हो गया, 21 × 5 = 26 हो गया, इधर करेंगे 2+ का x हो गया, 7 × 2 = 9 हो गया, 9 × 1 = 10 हो गया, 10 × 2 = 12 हो गया, यानी कि 12+ का x हो गया। अब इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, अब 0 तो हम बना नहीं सकते क्योंकि इसको हमें बनाना पड़ेगा 26, अब 26 बनाने के लिए x बराबर 14 रखने पड़ेगा, तो 14 तो हम नहीं रख सकते ना, यानी कि हमें डिफरेंस 11 बनाना पड़ेगा, तो हमने देखा 26 और 11 इनका डिफरेंस 6 से 1 = 5, 2 से 1 = 1 हो गया, यानी कि हमें एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मान रख दो 3 × 9 हो गया, प्लस का 1 हो गया, यानी कि आंसर 10। अगला सवाल, एक साइकिल के अंकित मूल्य पर इतनी छूट दी जाती है उसके बाद भी विक्रेता इतने का लाभ कमाता है, यदि लाभ 800 है तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के नीचे छूट वाली चीज आ जाएगी और यहाँ पर 20% प्रॉफिट वाला आ जाएगा इसके नीचे,
तो इधर करेंगे ये जीरो से जीरो, चार तिया बारह हो गया, चार दूनी आठ हो गया। तो देखो अपनी सहूलियत के लिए इसको 300 और 200 मान लो, इस पर 20% की अगर छूट देंगे तो 80% की चीज बेचेंगे, तो 80% का मतलब क्या हो गया, आठ तिया 24 यानी कि 240 हो गया, इधर 200 हो गया हमारे हिसाब से प्रॉफिट। 40 का क्वेश्चन में 800 दे दिया था, अंकित मूल्य बताना था, अंकित मूल्य 300 का मान, तो ये कई गुना हो रहा था, 20 गुना हो रहा था, इसका भी 20 गुना कर दो, 3 × 2 = 6000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, रजत पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं, रजत को वैध मतों का इतने परसेंट, पूजा को वैध मतों का इतने परसेंट, यदि डाले गए कुल मत 40,000 हैं और 10% मत अवैध हैं, तो आभा को मतों की संख्या कितनी मिली। देखो टोटल वोट 40,000 है और अवैध मत 10% है, तो 90% वैध मत हो गए, हमें निकालने थे किसके, आभा के। अब देखो ये टोटल वोट है ना, ये टोटल हो गए 100%, यही तो हो गए, एक को 36 मिल गए, एक को 40 मिल गए, तो बचे कितने हैं, 40, 30, 70, 70 और 76 हो गए, यानी कि यहाँ पर 24% बच गए, इसी का हमें 24% निकालना था, बस समझ गए, बस आंसर आ चुका। आप इसको कैलकुलेशन कर लो, ये चार जीरो यहाँ से चले गए, इधर करेंगे 24 × 96 गुड़े में हो गया 90, तो 9 × 56 = 54 जीरो चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट से काम हो गया, क्योंकि चार चाहिए और 9 × 81 हो गया, 81 × 5 = 86 आंसर। अगला सवाल, 120 मीटर की एक दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है, यदि यह 7.5 मीटर की बढ़त के साथ दौड़ शुरू करता है और यह 100 मीटर की दौड़ है, तो दौड़ कौन और कितने मीटर से जीतता है। तो यहाँ पर देखो ये पी था, ये एस था, अब जितने समय में पी 120 जाता है उतने समय में ये 114 जाता है। अब यहाँ पर कह रहा था कि स्पीड 100 मीटर हो गई, अब यहाँ पर 6 मीटर से हरा रहा, अब मान लो अगर 100 मीटर डिस्टेंस मतलब ड्रेस होती तो कितना जाता, तो 114 बटे में 120 गोड़े में 100 जाते, यानी कि यहाँ पर 20 × 5 = 100 हो गया, 20 × 120 हो गया, 19 × 114 हो गया, 95 मीटर जाता 100 मीटर की दौड़ में, कौन, यानी कि कहने का मतलब हो गया पी और अगर एस लिखते तो ये 100 जा रहा तो ये 95 जा रहा है, यहाँ से हार कितने से रहा, 5 से, लेकिन जब 100 वाले में इतनी बढ़त भी तो मिल गई है, यानी कि वो बढ़त मिल गई है, यानी कि वो इतने डिस्टेंस से जीत जाएगा, कितने से, 2.5 से, कौन जीत रहा है, यस जीत रहा है, तो आंसर लगा दो, क्योंकि हमसे दशमलव के दो स्थानों तक पूछा था, इस तरीके से चीजें समझ में आई। भाई देखो उसको बढ़त मिल गई है तो वो 2.5 जो डिस्टेंस है ना उससे वो हरा देगा पी को, क्योंकि वो उसे एक्स्ट्रा मिल गई है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक शर्ट का अंकित मूल्य 2000 है, इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, ऑफ सीजन के कारण दुकानदार 5% की छूट और दे देता है, शर्ट का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इससे आसान सवाल हो सकता है, 85% और 5% का और हो गया 95 हो गया, कैलकुलेशन का खेल है पूरा, इसमें कोड़ा करेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 1 = 17 हो गया, 17 × 85 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 17 × 153 = 8 जोड़ दिया तो 161 हो गया, जिसमें लिखा हो 16, 15 आंसर लगा दो, बात खत्म, ठीक है, जीरो वगैरह आप अपने सेटिस्फाइड करते रहना, हम तो इतना ही करते हैं। ए कॉमा बी का मतलब हो गया अगर इनका मध्यानुपाती तो रूट ए बी हो। अब यहाँ पर देखो अगर हम रूट लेंगे तो 8.41 इंटू में 16.81 हो गया, ये तो आपको सबको दिख रहा होगा 29 का, 16 अगर हम देखते हैं तो 25 से कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है, 50 से 9 कम कर दो तो ये 41 का स्क्वायर हो गया। अब ये तो रूट के बाहर आ गई चीजें, अब पॉइंट देखना, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो बाहर निकल के 2 के बाद पॉइंट आएगा, ये तो समझ गए ना कि 2 के बाद पॉइंट आना, आप गुणा कर दो, 1 × 9 हो गया, फिर 1 × 2 हो गया, 9 × 36, 36 × 2 = 38 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 4 × 8 = 3, 11 हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया। अब ये चीज देखो ये बहुत आसान होता है, हमने क्या किया यहाँ पर देखा, पहले तो देखो 41 का स्क्वायर कैसे निकालते, 50 से ये कितना कम है, 9 कम है तो 9 × 81 कर दो, अब जितना 50 से कम है उतना 25 से कम कर दो, तो 41 का स्क्वायर हो गया 1681। भाई हमने ऑब्जर्व किया था 16, 25 से कितना कम है, 9 कम है, यानी कि ये 41 का स्क्वायर लिखा है, बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल, एक वस्तु को इतने में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है, 37% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखो ये 100 की चीज, 33% की हानि का मतलब हो गया यहाँ पर 67 और 37% का लाभ का मतलब हो गया 137, तो ये 67 का मान दिया गया था 402, हमें निकालना था 137 का मान, तो 6 × 7 = 42, 6 × 36 हो गया, यानी कि 6 बार चला गया, तो 6 × 7 = 42 हो गया, 13 × 6 = 78 और 4 = 82 आंसर। अगला सवाल, ये देखो फिर से आ गया, क्या करना है आपको, 6 अल्फा बराबर में दिया गया था 90, तो अल्फा बराबर 15 आ गया, यहाँ पर 10
30 का मान हमें निकालना था, तो 1/√3। बहुत बार आपको हम बता चुके, कभी भी इस तरीके से लिखा हो कि साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं क्वाड्रेंट वाले में, जब 90 माइनस थीटा करते हैं, तो हमने आपको दो तीन चीजें बताई। अगर साइन बराबर में कॉस लिखा हो अल्फा, इधर बीटा, इधर लिखा हो टेन अल्फा कॉट बीटा, और इधर लिखा हो तुम्हारा सेक अल्फा कोसेक बीटा, तो हमेशा ध्यान रखो कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर में 90 होगा हमेशा, ठीक है। अगला सवाल, दूध और पानी के 10 लीटर मिश्रण में 8 लीटर दूध है, इस मिश्रण में से 2 लीटर निकालकर उसके स्थान पर शुद्ध दूध डाल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो देखो 10 लीटर में 8 लीटर आपका मिल्क था और फिर 2 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, यानी कि अगर हम देखते तो 2 लीटर पानी टोटल 10 में था, यानी कि 2 × 5 = 10 हो गया। अब इतना ही तो हो रहा है ना भाई, देखो 2 लीटर निकाला गया यानी कि 1/5 बचा। अब जब उसको करेंगे तो 1 − 1/5 यानी कि 4/5 बचा होगा, तो पहले पानी था कितना, 2 था, अब 4/5 कई बार हुआ है, 3 बार हुआ है, तो 4/5 फिर 4/5 हो गया, यानी कि 4 × 16 = 64 × 2 = 128 हो गया, बटे में 125 हो गया। अब टोटल था 10, भाई जितना निकाला गया उतना डाला ही डाल रहे हैं, तो 10 का तो 10 बचा ही होगा। अब उसमें से क्या हुआ है, ये पानी बचा है, यानी कि ये पानी को हम 10 से घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से भी मिल्क, बस इसी को करना था। अब यहाँ पर देखो 128/125, या तो आप नॉर्मली कर लो तो 9 के समथिंग जो सबसे पास होगा वही आंसर हो जाएगा, या तो आप क्या करो डिवाइड कर लो, 128 में 125 से भाग कर लो, तो ये एक बार जाएगा, कितना बचा, 3 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0, अभी भी भाग नहीं गया, फिर एक 0 लगा दो, इधर कर दो। अब यहाँ पर करेंगे 12 × 2 = 24, यानी कि 2 × 5 = 10 हो गया, यानी कि 250 हो गया, तो 0 हो गया, 10 से 5 गया, 5 हो गया, अब फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो ये 12 × 4 = 48 चार बार चला जाएगा, यानी कि अब पूरा अगर एग्जैक्ट निकालना तो 1.024 घटा दो, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, और बचा 1000 से 24 घटा देंगे तो 976, ये एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब ये देखो एसएससी का फेवरेट है, वैल्यू पुटिंग से आपको करना हो तो वैल्यू पुटिंग से कर लो, बाकी ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर जब एलसीएम ले लेंगे ये पूरा, तो ये होल स्क्वायर बना देगा और ये भी स्क्वायर बना देगा, जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये प्लस में हो जाएगा 2 sin A, ठीक है। नीचे क्या बन गया, cos A और ब्रैकेट में 1 + sin A, तो यहां पर एक चीज देखो, ये भी तो 1 बना देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये 1 यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + sin A हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, cos A और 1 + sin A हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया 2 sin A। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात बताते हैं, आप लोग लास्ट में आ गए, ये कॉन्टेक्ट नंबर हम बहुत पहले से देते आए 9919293977, किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हुआ करे ना, कि समझ में नहीं आया या ऊपर से निकल गया, तो यहाँ पर भेज दिया करो मुझे, लेकिन पर्सनल मैसेज भेजा करो, यानी कि डीएम किया करो। आप ग्रुप में भेज देते हैं, वहां मैं इतना देख नहीं पाता हूँ, आप पर्सनल भेज देंगे तो कहीं ना कहीं वो मैसेज बने रहते हैं, तो मैं उनको देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करके रख लो और भेज दिया करो आप सवाल। अगला सवाल करते हैं, अब इसको देखो हमसे ये पूछा गया था, यानी कि कहने का मतलब p² + q² - 14 ये पूछा गया, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से तो ये क्या बना देगा, p² + q² और ये बराबर में 12 × 144 माइनस का 2pq मतलब कि 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर 144 14 × 2 = 28 हो गया, तो 14 से 8 गया तो 6 हो गया, और फिर यहाँ पर बचा 3 × 3 = 2 = 1 116 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 116 − 14 2 = 0 = 1 आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है भाई, दोनों तरफ हम 2 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया, y + 1/y² और ये बराबर में हो गया 169 हो गया। अब जब इसको लिखेंगे तो y + 1/y बराबर में ये आ जाएगा 13, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, प्लस माइनस का 13 आता है, और ऑप्शन में हमें ये कंडीशन दी गई है, भाई हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो एक चीज बताओ, अगर 1 रखते हैं तो 1/1 यानी कि 2 आएगा, यानी कि प्लस का आ सकते हैं, y + 1/y बराबर में 13 हो जाएगा, समझ गए बात को, तो ये चीज ध्यान रखना। ये ऑप्शन आपको बता देते हैं कि आपको इसका यूज करना है कि नहीं करना है, इसका यूज तभी करना है जब ये सेम सेम आपको मिल जाते हैं। अगला सवाल करते हैं,
3.5 त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर लगा दो। उसके अलावा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। अब 4πr², ये πr² आपको समझ में आ रहा होगा, अगर 7 दिया हो तो हमारा 154 होता है, यहाँ पर रेडियस 7.5, यानी कि 0.5 गुना हो रहा था, यानी कि जो एरिया हो जाएगा, यानी कि πr² का मान वो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 × 154, 5×25 हो जाएगा और बटे में कर दो 100, 25×4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल, 154 आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है, सिंपल। देखो टेन स्क्वायर ए को इसको क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर ये बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, यही चीज तो बनेगी, अपॉन में क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, इंटू में इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया। बात समझ गए होगे, तो ये दोनों तो वन बना देंगे ना, तो ऊपर वन अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू में वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए हो गया। अब हमने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर वन प्लस, तो ये नहीं होगा, ये तो आ ही नहीं सकता कहीं से भी। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है लेकिन कॉस स्क्वायर ये हो गया, नहीं हो सकता। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते थे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए हो जाएगा, इंटू में क्या है साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ये आंसर। अगला सवाल, सी टी वृत्त पर बिंदु टी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की जीवा ए बी को बिंदु सी पर स्पर्श रेखा सी टी से मिलाने के बाद बढ़ाया जाता है, यदि ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 2.4 है, तो स्पर्श रेखा सी टी की लंबाई। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से समझ में नहीं आ रही लैंग्वेज, तो प्रॉपर चित्र आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखो बनाना ही पड़ता है, जहां नहीं बनाना पड़ता कम से कम वहां तो बच जाए हम लोग। तो सी हो गया, ये टी पर स्पर्श रेखा थी, कह रहे थे वृत्त की जीवा ए बी को बिंदु सी पर स्पर्श सी टी से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। तो देखो ए बी हमारी जीवा, इसको बढ़ा दिया, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। कह रहा था ए बी 3 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया बात है, बी सी 2.4 है, बहुत बढ़िया बात है, सी टी की लंबाई। अब सी टी मान लो ये एक्स हो गया, तो प्रॉपर्टी हो जाएगी एक्स स्क्वायर बराबर या सी टी स्क्वायर बराबर में बी सी, जो हम लोग नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ये होती है प्रॉपर्टी 2.4 इंटू में 3×5.4 हो गया, तो 4×16, तब 16 का आया, देखो 6 का स्क्वायर 6 ही देता है, या तो 4 का स्क्वायर देगा, तो यहाँ पर देखो जैसे ही 4×16 यूनिट डिजिट 6 की, यानी कि ऑप्शन जो भी होंगे उनके स्क्वायर करके देख लो, यहाँ से किया 4×16 आएगा, लेकिन ये पॉइंट कहाँ लेके जाओगे, तो ये कैंसिल हो गया, 6×36 ये दे देगा, 2×2 = 4 ये नहीं देगा, 4 ये नहीं देगा, समझ गए ना। इसके अलावा देखो सिंपल सा हम क्या कर सकते थे, ये तो हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, इसके अलावा हम कर सकते थे, ये हो गया 9×6 = 54, ये हो गया 6×6 = 24, तब दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स बराबर में 6 बार आ गया, 4 का 2 बार, 9 का 3 बार आ गया, बटे में पॉइंट लगा हुआ था, यानी कि 1 के बाद पॉइंट, यानी कि 10 लिख लो, 6×2 = 12, 12×3 = 36, यानी कि 3.6 आंसर। तो इस तरीके से 14 की shift 3 आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। अब हम लोग बहुत लास्ट तक आ गए, यानी कि 5 पेपर आपके बचे, इसके बाद द एंड हो जाएगा, इसके बाद आप आएंगे बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज, इसकी 1 या 2 वीडियो में खत्म कर देंगे, उसको देख लेना, इसके बाद आपको इससे थोड़ी छुटकारा मिल जाएगा, जो भी टफ लगे उसको रिवाइज करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।